ताजातरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं कृतिका, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। बस्तर के योद्धाओं ने पेश की मानवता, बिहार के युवक का किया पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार। जगदलपुर बिहार के नालंदा में रहने वाले मजदूर की मौत होने के बाद नगर पुलिस अधीक्षक के साथ ही कोतवाली बोधघाट प्रभारी ने पूरे रीति रिवाज के साथ मजदूर का अंतिम संस्कार करने के साथ ही वीडियो कॉलिंग के माध्यम से सभी रस्मों को भी दिखाया गया। परिजनों ने इस संस्कार को देखने के बाद आंखों से आंसू भी झलक उठे। नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिद्धार ने बताया कि नालंदा बिहार का रहने वाला रणवीर कुमार 43 वर्ष, जो सुकमा बीजापुर के पोटा केबिन में सुपरवाइजर के रूप में 2 सालों से काम कर रहा था, अचानक स्वास्थ्य खराब होने के कारण उसे पहले सुकमा अस्पताल में भर्ती किया गया, उसके बाद उसे मेकॉज भेजा गया। स्वास्थ्य में सुधार ना होने के कारण उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसकी बीती रात मौत हो गई। उसके साथी नीलेश ने मामले की जानकारी परिवारजनों को दी, जिसके बाद लॉकडाउन होने के कारण परिजन यहां नहीं आने के कारण बस्तर पुलिस परिवार बनकर मृतक को पहले कंधा दिया, उसके बाद वीडियो कॉल करके युवक के मौत का अंतिम संस्कार भी दिखाया गया। पुलिस ने ऐसे मुश्किल समय में फिर से मानवता पेश की। प्राइम न्यूज 24 के लिए जगदलपुर से मोहम्मद अल्ताफ की रिपोर्ट। बिहार के एक मजदूर हैं जो काम करने के लिए दक्षिण बस्तर की ओर आए हुए थे, और इसी दौरान जो है बीमारी की वजह से जो है इनकी मृत्यु हो गई, और उनके परिवार की इच्छा के अनुरूप जो है यहाँ पर जो है उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और उनके परिवार वालों की इच्छा थी कि इनका जो है अंतिम दर्शन जो है वीडियो कॉल के माध्यम से उनको कराया जाए, तो इसमें जो है उनके इच्छा अनुरूप जो है इनका वीडियो कॉल करा के जो है इनका अंतिम दर्शन जो है और अंत्येष्टि का जो कार्यक्रम है उनके परिवार वालों को जो है कराया गया है, और उनके इच्छा अनुरूप जो है यह अंत्येष्टि कार्यक्रम जो है कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो है उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि लॉकडाउन के पश्चात जो है वो यहाँ पर आएंगे, और तब तक जो है इनकी अस्थियों को जो है सुरक्षित रखा जाएगा, तो उसी के अनुरूप जो है कार्यक्रम के पश्चात जो है इनकी जो अस्थियाँ हम सुरक्षित रख के जो है जब भी वो आएंगे जगदलपुर, उनकी जो अस्थियाँ हैं उनको असल सम्मान जो है उनके सुपुर्द किया जाएगा। बस्तर में युवा काम करता था, बिहार से आया हुआ था, युवा काम करता था कंपनी में, तो क्या बस्तर पुलिस अगर वो परिवार वाले कुछ आर्थिक मदद मांगते तो वो भी करने के लिए? हाँ, निश्चित तौर पर जो है यह जो मामला है वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में भी है, और उन्हीं के निर्देश पर जो है यह कार्यक्रम चूँकि सम्पन्न कराया जा रहा है। और इसके अतिरिक्त जो है उनके जो ठेकेदार हैं जो नागपुर में इस लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, उनसे भी लगातार संपर्क बना हुआ है। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जो भी आर्थिक मदद होगी वो जो है ठेकेदार की ओर से कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो है यदि ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि उनके ठेकेदार से किसी कारणवश जो है तकनीकी वश जो है अगर मदद नहीं हो पा रहा है, तो भी पुलिस विभाग की ओर से जो है इनके परिवार वालों को जो भी मदद हो पाएगी वो पूरी मदद जो है किया जाएगा।